Today video related about scope of microbiology. So scope of microbiology के बारे में आज हम जानेंगे कि क्या क्या स्कोप है microbiology के. So microbiology has an impact on medicine, agriculture, food science, genetic and many other field. So जो स्कोप है microbiology का वो बहुत सारे फील्ड में है, जैसे कि मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फूड साइंस, ऑल्सो जेनेटिक. सो फर्स्ट इज मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, डील विद डिसीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल, आइडेंटिफाई प्लान मेजर टू एलिमिनेट एजेंट कॉज इज इन्फेक्शन डिसीज. तो इसमें क्या कहते हैं, डील विद डिसीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल. सो डिसीज के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं एंड कॉज का पता करते हैं. सेकेंड इज इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम पैथोजन. इम्यूनोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम की, किसके लिए, प्रोटेक्ट द बॉडी, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, फॉर पैथोजन. एंड नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्रीकल्चर प्लांट डिसीज दैट अटैक इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप. एग्रीकल्चर में भी माइक्रोबायोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जिस तरह से ह्यूमन एंड एनिमल में भी कॉज होते हैं डिसीज के, एंड इसी तरह से एग्रीकल्चर के अंदर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, किसका, पैथोजेंस का एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. एंड नेक्स्ट इज फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, सो वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रिजर्वेशन, कैनिंग, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क एंड स्टडी ऑफ बोन डिसीज. सो फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं कि हाउ टू प्रिजर्व फूड, फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, एंड पास्चुराइजेशन मिल्क एंड मिल्क को पास्चुराइजेशन कैसे करते हैं, एंड फूड से होने वाली डिसीज उसके बारे में पता करते हैं. एंड नेक्स्ट इज टू मेक, नेक्स्ट इज टू मेक फूड सच एज चीज, बियर, कर्ड. एंड यू नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज टू टाइप्स, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल. सो बेनिफिशियल, यू नो बेनिफिशियल यूज टू मेक फूड प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल कर्ड, बैक्टीरिया से हम कर्ड को बनाते हैं, यानी कि दही को. सो इसके बारे में फूड एंड डेयरी में पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज ए इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल के अंदर यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक प्रोडक्ट सच एज एंटीबायोटिक, द वैक्सीन, अदर थिंग. हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज एंटीबायोटिक वैक्सीन बनाने के लिए भी करते हैं एंड अदर थिंग्स. एंड नेक्स्ट इज ए जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक हार्मोन, एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन. जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी हम माइक्रोबायोलॉजी का, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किसके लिए यूज करते हैं, मेक हार्मोन एंड एंटीबायोटिक वैक्सीन. अब हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बारे में. सो माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल बहुत सारे हैं. The principle are following, the study of microbiology related to base of human need. जो microbiology की study है वो related है human need से. You know, अगर हमें microbiology के बारे में पता नहीं होगा तो हमें microorganism के बारे में नहीं पता होगा. अगर हमें microorganism के बारे में नहीं पता होगा तो उनके होने वाले effect and उनसे होने वाली disease के बारे में पता नहीं होगा तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड टू बेस ऑफ ह्यूमन नीड. एंड नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड कॉज ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज. हम माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड कॉज ऑफ पर्टिकुलर डिसीज, किसी भी डिसीज के कॉज को पता करने के लिए. एंड नेक्स्ट इज वाई द हेल्प ऑफ माइक्रोबायोलॉजी वी कैन नो अबाउट मॉर्फोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी के स्टडी से हम जान सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी.
means size, shape. And next is the study of microbiology. Give information or know knowledge which organisms are beneficial and which are harmful for health. हम microbiology की study करके हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं, फ़ायदेमंद हैं एंड कौन से हार्मफुल हैं. एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग. सो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग. माइक्रोबायोलॉजी का क्या रोल है इन नर्सिंग में. सो द पेशेंट हु नर्स केयर फॉर ऑफ्टन vulnerable and increased risk of infection disease. So क्या होता है जो patient है वो suffer कर रहा है किसी भी disease से. So जो nurse है वो उसे care provide कर रही है तो उसको chances हैं कि वो भी infection से suffer कर सकती है. So nurse and other health care workers many carry harmful bacteria on their hands. So जो उन्हें केयर दे रहे थे उनके हैंड पे भी बैक्टीरिया वायरस ससेप्टेबल हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं. सो देयर फॉर एक्स्ट्रा केयर फॉर टेकन टू अवॉइड द ट्रांसफर और इन्फेक्शन इक्वाइड वाला पेशेंट हॉस्पिटल एंड कॉमन इंफॉर्मेशन दे आर द सम इज डिफिकल्ट टू ट्रीट एंड कैन बी ऐसे हॉस्पिटल इन्फेक्शन दैट पेशेंट. मतलब कहने का मतलब ये है जो माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग. वाई आर यू इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग. माइक्रोबायोलॉजी इसलिए इम्पोर्टेंट है अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगी माइक्रोबायोलॉजी की ऑर्गेनिज्म की तो हम उससे अपने आप को क्योर नहीं कर पाएंगे, अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाएंगे, प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे. अगर हमें नॉलेज होगी बैक्टीरिया वायरस फॉर सेपरेट वन पर्सन टू अनदर पर्सन तो हम पहले से ही उसको प्रिकॉशन लेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे. सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर नर्सिंग.